देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो भी ये साइक्लोन जो होते हैं उसका मोस्ट डेंजरस पार्ट तभी होता है जब वो समुद्र में होते हैं, और जैसे ही वो सरफेस को हीट करने लगते हैं उसके बाद उसकी एनर्जी कम होने लगती है। तो जो साइक्लोन के होते हैं डिफरेंट स्टेज होते हैं, डिफरेंट स्टेज होते हैं। जैसे कि ये जो तूफान जो था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, उसके बाद ये जब तटीय इलाके को हीट कर दिया इसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होते जाएगी, उसके बाद ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, फिर साइक्लोन बन जाएगा, और फिर आगे चलते चलते ये डिप्रेशन फिर लो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक ये इसका असर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ये ताउते जो है तूफान के रूप में हरियाणा तक नहीं पहुंचने वाला है, ये लो के रूप में यहाँ पर पहुंचने वाला है, मतलब कि इसकी एनर्जी काफ़ी कम हो जाने वाली है। तूफान के डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे लो होता है डिप्रेशन, फिर डिप्रेशन, उसके बाद साइक्लोन, उसके बाद सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन, एक्सट्रीमली। तो ये लो के रूप में यहाँ पर पहुँचने वाला है, तो इसकी मारक क्षमता तो कम हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अभी जो है ये इसके रास्ते में पड़ रहा है, जब ये चल रहा है तो इसके रास्ते में पड़ रहा है। इसके चलते हरियाणा और एडज्वाइनिंग जो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट पंजाब में आपको कल और परसों एक्सपेक्टेड है कि कल सबसे ज़्यादा होगी वेरी टू हैवी रेनफॉल हो सकता है, और परसों भी वेरी टू हैवी रेनफॉल की संभावना है, थंडर भी होगा, लाइटनिंग भी होगा, मैक्सिमम असर आपको कल रहने वाला है, इसके बाद इसका असर कम हो जाएगा, इसका असर आपको परसों तक रहता है। देखिए ये एक ऐसा तूफान है ना जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो इसका धीरे धीरे आपको आना शुरू होता है और फिर धीरे धीरे चला भी जाता है, तो परसों तक इसका असर खत्म हो जाएगा। इस तो वेरी टू हैवी रेनफॉल होगा तो आपको लो लैंड एरिया में आपको पानी भर सकता है, इसमें आपको विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो उसके चलते क्या हो सकता है कि जो कमज़ोर स्ट्रक्चर है वो उखड़ सकते हैं, कमज़ोर जो घर है वो भी आपको गिर सकते हैं, और जैसे कि जैसे पानी वगैरह भर जाता है उसके चलते आपको बिजली सप्लाई भी अफेक्टेड हो सकती है। जब तक आपको इस तूफान का असर ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि इस तूफान के साथ थंडर भी है, लाइटनिंग भी है, तो लाइटनिंग का भी असर हो सकता है, तो इसके चलते यही है कि आम लोग अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, यदि उनके घर कमज़ोर है तो सेफ जगह पर मूव कर जाएं। यदि नहीं बिल्डिंग्स के लिए एज सच यदि सेफ्टी फैक्टर लेकर बनाया गया है तब तो उतना नुकसानदेह नहीं होगा, कमज़ोर स्ट्रक्चर के लिए नुकसानदेह होगा।